तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑटो टेक एक्सपर्ट पे। मेरा नाम है तुषार और आज हम KTM की RC 390 का करेंगे डिटेल वॉकराउंड। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, माइलेज, कलर ऑप्शंस एक्सेट्रा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए अगर आपको ये बाइक लेनी है या आपको ये बाइक पसंद है। तो चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले शुरू करते हैं इसके वॉकराउंड से, उसके बाद मैं बताऊँगा आपको इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। तो चलिए फ्रंट से शुरुआत करते हैं। ऐसे कुछ मिलते हैं आपको इसके टर्न इंडिकेटर्स KTM RC 200 की तरह। IRVM पे प्लेस मिलते हैं आपको ये, और काफ़ी एरोडायनामिकली डिज़ाइंड IRVM मिलता है आपको। शेप में आपको ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं मिलता फ्रंट में RC 200 एंड RC 390 के बीच में। फ्रंट एंड रेयर डिस्क ब्रेक्स प्लस अलॉय व्हील्स एंड ड्यूअल चैनल ABS आपको मिलता है इस बाइक में। एंड वहीं साइड में चलते हैं, यहाँ पर आपको इसकी ऑरेंज कलर की चेसिस दिखने लग जाती है। एंड इसकी सीट भी काफ़ी ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको एक प्लास्टिक लाइक लुक दी गई है। एंड ये है इसकी LED टेल लाइट एंड LED टर्न इंडिकेटर्स। साथ साथ यहाँ पर आपको एक लैंप भी मिल जाता है अपने नंबर प्लेट के लिए, KTM की बैजिंग। तो ये कुछ था इसका रेयर लुक। चलिए इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसा कुछ आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें स्पीडोमीटर एंड टैकोमीटर दोनों डिजिटल हैं, जिसमें आप मोड्स भी सेट कर सकते हैं, ट्रिप्स भी यहाँ इसमें आपको मिल जाते हैं। ऐसे कुछ आपको नॉर्मल सी की मिलती है इसकी। एंड ऊपर की तरफ काफ़ी सारे आपको आप वार्निंग लाइट्स जिनको बोल सकते हैं वो मिल जाते हैं, न्यूट्रल, साइड स्टैंड एज वेल एज ABS की लाइट भी आपको मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था इसका वॉक अराउंड। चलिए अब इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इसमें आपको अगर डायमेंशंस में देखा जाए तो लेंथ आपको मिलती है 1980 mm, विड्थ आपको मिलती है 688 mm एंड हाइट आपको मिलती है 1098 mm। साथ साथ व्हीलबेस आपको मिलता है 1340 mm एंड ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है 178.5 mm एंड आपको जो सीट हाइट है वो मिलती है 820 mm। एंड जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो आपको मिलती है 9.5 लीटर्स की। ये बाइक आपको सिर्फ 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलती है। एंड पावर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 42.3 BHP की पावर मिलती है। एंड साथ साथ टोक आपको मिलता है 35 Nm का। तो ऐसी कुछ है ये बाइक, आप देख सकते हैं काफ़ी स्टाइलिश लुकिंग है इस बाइक की। एंड इसमें जो दो कलर ऑप्शंस आपको मिलते हैं वो हैं ब्लैक प्लस सिल्वर एंड मेटालिक सिल्वर, जो कि आपने स्पेक्स के शुरू में देख लिए थे। एंड लास्टली अगर बात की जाए इसके ऑन रोड प्राइसिंग की, तो वो आपको मिलती है 3 lakh rupees ऑन रोड गुरुग्राम। यह आपकी सिटी के हिसाब से थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है, पर आपको ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी डिटेल्ड वीडियो KTM की RC 390 के ऊपर। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस बाइक पे देखनी है या फिर कार पे, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एंड मुझे और मेरे चैनल को आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि मुझे ऐसी बाइक्स लाने में ज़्यादा तकलीफ ना हो और शोरूम वाले इजीली परमिशन दे दें। So friends, thank you very much for watching.